इंशाल्लाह भाई, इस क्लास के अंदर हम जो है इंटर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 8 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, डेवलप द नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, शो डेट इट लेड्स टू वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए इसको एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसा पूछेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए वर्क को डिफाइन करेंगे, वर्क, ठीक है। तो वर्क का डेफिनेशन शॉर्ट में समझा लूँ एकदम। देखिए कोई बॉडी है समझो आप सपोज़, ठीक है, इसको फोर्स लगाया, फोर्स तो सपोज़ ये डिस्प्लेस हुआ समझिए, थोड़ी दूर तक चले गया ये, है ना, सपोज़ ये डिस्टेंस है समझो एस। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, खाता इतना याद रख लीजिए, कैसा लिखते देखिए। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा बोलेंगे हम, एफ डॉट एस बोलेंगे, एफ डॉट एस। ये डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं ना, ये जो है वेक्टर्स में होते हैं अपने, वो डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन याद रखना ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला है था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ऐसा ही सकते ए बी कॉस थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला ऐसा भी सकते हैं हम, एफ एस कॉस थीटा। मैं बताया आप लोगों को, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। देखिए गौर से सुनिए, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे हम, वेक्टर्स के दो रहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एक डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट रहता है, वो डिटेल में भी जाना नहीं अपने को। वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी सकते हैं अपन, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क का डेफिनेशन देखिए आप लोग, यहाँ पे समझाऊंगा मैं। वर्क, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस। इसको और एक तीसरे सकते बोला मैं, एफ एस कॉस थीटा। दूसरी चीज़ है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा है ना, कोई भी बॉडी जो मोशन में होती है ना, वो जो चलते रहती है, जिसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी, उसके अंदर एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैं एग्जांपल्स दूंगा मैं, कोई बॉडी अगर तेज़ जा रही, उसके अंदर एनर्जी होती है। जैसा सपोज कोई कार है, अब ये कार मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ सपोज 50 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये कार के अंदर एनर्जी है। कैसा, अगर कोई सामने आ गया आदमी तो क्या होता, उसको मार लगता, मर जाता। मतलब क्या है, इसके अंदर एनर्जी है जिसकी वजह से इसको मार लग रहा है ना। कोई बॉल थ्रो करे आप, नीचे गिर रहा, अगर आप हाथ रखेंगे नीचे, है ना, या कोई पत्थर है तो आपको मार लग रहा, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। बहुत से एग्जांपल्स होते है ना, अब फैन चल रहा, उसके पंखे के है ना ब्लेड्स है, ब्लेड के सामने हाथ रखे तो आपको हाथ को मार लग रहा, क्यों लग रहा, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, है ना। वाटरफॉल्स होते, ऊपर से नीचे पानी गिरते रहता, अगर नीचे कोई ठहरेगा, है ना, कोई आदमी ठहरा अगर नीचे, तो उसको हाथों को मार लगेगा या सर पे मार लगेगा, क्यों, वो वाटर जो मोशन की वजह से है ना, जो वेलोसिटी, जो एनर्जी होती है, इसको बोलते काइनेटिक एनर्जी। एक बार रिवाइज कर लीजिए, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, शॉर्ट में है ना, द एनर्जी पोसेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी समझो अगर मोशन में है, क्या है, मोशन में है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एनर्जी रहती, उसको बोलते काइनेटिक एनर्जी। अब इसका डेफिनेशन देखिए आप लोग, मैं इसलिए एक दारूँ कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आना मेरे राइटिंग के अतबार से, है ना, ये समझ में आसानी होगी। द एनर्जी पोसेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कितना आसान है, द एनर्जी पोसेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स एनर्जी, सॉरी ड्यू टू इट्स मोशन, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला भी याद रख लेना हम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये दो टॉपिक्स तो पढ़ लिए हम, अब तीसरा टॉपिक भी एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट लीड्स टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इट लीड्स टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मैं ये समझाता हूँ क्या है एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, इसमें क्या बनता है, क्या है अपन समझेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। अच्छा, उसमें जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग, हम जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ एक्चुअली हो रहा है क्या, सपोज एक बॉडी है, मास एम है इसका, वेलोसिटी यू है, सपोज आप इसको फोर्स लगाए, इसको ढकले जोर से, तो इसका वेलोसिटी बढ़ गया, इसका वेलोसिटी हो गया वी, मास तो बढ़ेगा नहीं ना, मास तो उतना ही रहेगा। तो पहले जो है ना इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, बोलेंगे इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी बोलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बताना, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी यू है ना, तो यू स्क्वायर।
वैसी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, समझे ना। पहले वेलोसिटी यू है इसलिए पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी यू स्क्वायर, और बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या है वी, सॉरी वेलोसिटी वी है इसलिए इसके काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। मिसाल के तौर पर पहले इसकी एनर्जी थी 20, इसके बाद हो गई 50, तो चेंज का मतलब क्या है, कितना फ़र्क आ रहा है 30 का। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे हम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कितना फ़र्क आ रहा बोलते हैं। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ खरीदे आप, पहले 100 रुपये में था, बाद में 120 में हो गया, तो चेंज क्या बोलेंगे भाई, अरे भाई 20 रुपये बढ़ गए बोलेंगे, है ना, 20 रुपीज़ इंक्रीज चेंज बोलेंगे, चेंज इन द कॉस्ट इज 20 रुपीज़। वैसे ही बोलिए आप लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन कहेंगे हाफ एम आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, पहले बचेगा वी स्क्वायर, फिर बाद में बचेगा यू स्क्वायर। लेकिन अपन काइनेटिक इक्वेशंस पर याद है, काइनेटिक इक्वेशंस में अपने पास फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, टू ए एस, टू ए एस, तो उसकी जगह पर एक डालेंगे अपन हाफ एम इन टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या हो गया टू ए एस, ये टू टू कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा एम ए एस। लेकिन अभी बताया ना मैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन एफ का फॉर्मूला होता है एम ए, एफ का फॉर्मूला होता है एम ए, तो देर फोर एम ए की जगह पे हम लिख डालेंगे एफ एफ एस। अच्छा एफ एस क्या होता है, अभी पढ़ा है ना भाई, एफ एस इज नथिंग बट वर्क, एफ एस इज नथिंग बट वर्क, तो देर फोर हम क्या प्रूफ करें भी बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, इसको बोलते क्या है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या कहेंगे एक बार रिवाइज कर लीजिए, द वर्क डन बाई ए रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये देख लीजिए आप जो यहाँ पे, अब नेक्स्ट बिट क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब स्क्रीन पे देखिए मैं थर्ड बिट में जो डिफाइन कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, द वर्क डन बाई ए रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, कितना आसान है देखिए, द वर्क डन बाई ए रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब ये प्रूफ भी यही है जो अभी बताए हम आपको, तो प्रूफ करने से पहले हम क्या करना, थोड़ा इसको हम जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे वो हम डिफाइन कर लेना, कैसा मैं समझाता हूँ, इसको बाय हार्ट नहीं करना। कैसा स्टार्ट करेंगे, देखो कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ ए इनिशियल वेलोसिटी यू, समझने आगे बात जो अपन समझे वही लिखना, कंसिडर बॉडी ऑफ मास एम विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, लेट ए फोर्स अप्लाइड ऑन इट, फोर्स अप्लाइड ऑन इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू वी, चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू वी आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ एस, ठीक है। तो ये थोड़ा अपन लिख डालना जो जो वर्ड्स यूज करते हैं, कंसिडर बॉडी ऑफ मास एम विथ इनिशियल वेलोसिटी यू मूविंग वेलोसिटी यू भी लिख सकते हैं, लेट ए फोर्स अप्लाइड ऑन इन एफ चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू टू वी आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस एस। उसके बाद क्या है, बस अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर वी स्क्वायर, चेंज क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इसमें से हाफ एम कॉमन ले लिया है ना, ये पूरा यहाँ पे फिर एक बार समझाता हूँ मैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे लिखे हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। अब ये प्रूफ क्या कर रहे हैं, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम, आप लोग स्क्रीन देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, मूविंग विथ ए वेलोसिटी यू, लेट ए फोर्स अप्लाइड ऑन इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू वी आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंसेस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या बोलेंगे, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, माइनस कर लेना दोनों को, हाफ एम यू वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम कॉमन ले ली तो क्या बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लेकिन अकॉर्डिंग टू लिख डालना अच्छा था, काइनेटिक इक्वेशंस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है टू ए एस, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, टू ए एस। अब क्या होगा देखिए, ये टू टू कैंसिल हो जाता, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एम ए एस, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एम ए की वैल्यू एफ होती है, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एम ए की जगह पे एम, एम ए की जगह पे क्या कर रहे हैं हम एफ लिख रहे हैं, एम ए की जगह पे एफ। तो फिर इंटरेस्ट क्या होता है, ये पढ़ा है ना, वर्क डन होता, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क, दस
वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दस वर्क एनर्जी थ्योरम इज वेरीफाइड, क्या तो डिराइव्ड, कैसे भी लिखिए इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह।